कभी भी कोई अगर माँ बनता है तो प्लीज़ अपना खुद को ध्यान रखे, दवाई टाइम से खाए, खाना टाइम से खाए, टाइम से सोए, अपने बच्चों को पेट में जो पला हुआ बच्चा उसको ख्याल रखे, नहीं कि लापरवाही करे। अगर लापरवाही नहीं होता तो शायद आज रानी का बच्चा रानी के साथ होता, नहीं कि नहीं मिसकैरेज होता। सो गाइस, आज मैं रानी के बारे कुछ बताने वाली हूँ। बहुत दिन से मैं बताऊंगी बोली, रानी भी बोली कि दीदी आप अपना ब्लॉग में बना के बोल दीजिए। तो एट नंगू ने कपड़ा पहन के जाओ, कपड़ा पहन के। तो गाइस वन मिनट कैमरा। तो मैं फाइनली आप लोगों को बताने वाली रानी का, सच्ची रानी का, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से, किस कारण से वो क्यों होना ही नहीं चाहिए थे, होना चाहिए थे, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और इसमें सवाल हमको कोई नहीं करेगा। मुझे रानी बोली कि दीदी आप अपना ब्लॉग में बना के बोल दीजिए, तो मैं इसलिए बना के बोल दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जानने का हक है। आप लोग इतना दिन से सब कमेंट करते रानी को भारी काम मत दीजिए। रानी उस दिन भारी बोरा उठाई थी, जो सफाई कर रहे थे वो रुई का बोरा था। प्रेगनेंसी में रानी को काम मत कराओ, प्रेगनेंसी में ये मत कराओ, प्रेगनेंसी में वो मत कराओ। आप लोगों को कुछ दिन मतलब कि याद होगा, शायद कुछ दिन पहले रानी एडमिट थी हॉस्पिटल में, आपको अच्छी तरह याद होगा। और हम लोग वो भी शॉर्ट वीडियो बहुत सारा बनाई थी, है ना। तो गाइस, तो वो क्यों भर्ती थी हॉस्पिटल में ये आप लोगों को मैं बताई नहीं थी, मतलब कोई नहीं बताया था आप लोगों को, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे बोली रानी बोली कि दीदी आप बोल दीजिए सबको, लोगों हर को, यही हर जगह जब भी कोई हमारा फैन मिलता है तो तुम्हारा बेबी कैसा है, तुम्हारा बेबी हो अभी तक मतलब कि अभी हो जाता 4-5 मंथ हो जाता तो पेट बाहर नहीं निकला, बहुत सारा सवाल उठाया रानी के ऊपर में। तो मैं बता देती हूँ, मैं साफ साफ बता देती हूँ गाइस कि रानी को एक तो शरीर में खून कमी था बहुत ज़्यादा, और उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। रानी को अच्छा मतलब कि सिमल नहीं था, दोस्त के यहाँ गया था 7-8 दिन के लिए, और 7-8 दिन के लिए हम लोग चैवासा में था, आप लोग देखे थे, और सिमल हम लोग के साथ भी नहीं था। वो दोस्त के पास से 7-8 दिन आया तो रानी मतलब उदास रहती थी, खाना उन्होंने नहीं खाती थी, तो सिमल रहेगा तभी वो खाती थी, सिमल नहीं रहता था तो वो खाना नहीं खाती थी। सिमल का याद में पूरा खो गई थी। आप लोग सोचे मतलब शादी करने के बाद भी, तो गाइस ऐसा कुछ हो गया था बीच में, इतना ज़्यादा सिचुएशन कि आप लोगों को मेन पॉइंट आप लोगों को तो हम बता ही नहीं सकते हैं। मेन बात ऐसा बोल, कैसे बोला, कौन मुंह से बोला, कौन जुबान से बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मुझे बताने का हक है, मैं बता दे रही हूँ। तो गाइस रानी अभी रानी प्रेग्नेंट नहीं है, क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, आप लोगों को सब कुछ हम लोग दिखा दी, की टूट दिखा दी, उस टाइम प्रेग्नेंट थी वो, अचानक जैसे कि सिमल आने के बाद मतलब भूखा रहने लगी, भूखा मतलब खाना ना कुछ भी नहीं खाई, ऊपर से दवाई भी नहीं लेती थी टाइम टाइम, और उसके बाद रानी का टेंशन से कुछ नहीं करती थी। कोई आ रहा है क्या? सिमल का टेंशन से कुछ नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाती थी, टाइम से सोती भी नहीं थे, टाइम से कुछ दवाई भी नहीं खाती थी, खाना कुछ भी नहीं। तो इसी अचानक से चैवासा में उसको पेट दर्द दिया, तो पेट दर्द देने के बाद फिर वो सोची कि ऐसी नॉर्मली दर्द दे रहा, हम लोग भी सोचे कि नॉर्मली, कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा बाहर काम करने से हम लोग को पेट में दर्द होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो मेन बात सारा शक गलती रानी का है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखी, और जो पेट में बच्चा पल रहा था उसका ख्याल नहीं रखी वो, मेन बात ये चीज़। तो वो भी मानती कि हाँ उसने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि खाना टाइम, अगर देखो बच्चा को भूख लगता है, मतलब हम लोग को भूख लगता तो बच्चा को भी भूख लगता है, तो 3 महीने के बाद तो पूरा बच्चा बन जाता, आप लोग जाहिर से सब कुछ जानते हो। तो बस अचानक फिर हम लोग टाटा आ गए, सबको आप लोग तो देखे, सबको हम लोग टाटा आने के बाद, टाटा आने के बाद 2-3 दिन ठीक थी, 2-3 दिन के बाद फिर अचानक से शाम में मतलब अचानक से कोई खाई नहीं थी, अचानक से उसको पेट में बहुत ज़ोर से दर्द और ज़ोर होने लगा। तो हम लोग सोच रहे शायद वो ऐसे ही दर्द दे रहा होगा, मतलब होता है ना कभी दर्द उर्द देने से पेट का, तो हम लोग को समझ नहीं पाया। तो फिर बाद में देखे कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा था, और ब्लडिंग हो रहा था यानी कि बच्चा ख़राब हो गया था, तो रानी का बेबी नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, रानी का बेबी सच में नहीं रहा गाइस, और बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक ख्वाहिश था सिमल का भी कि काश वो बेबी आ जाता तो अच्छा होता। और अब शायद कोई सवाल नहीं उठाएगा, रानी मानी ही मतलब
अभी माँ नहीं बन सकती, तो बनेगी लेकिन 3-4 साल बाद, अभी नहीं। तो रानी आपसे क्या बोले, हम लोग बुआ बनने का सपना था, मेरा बुआ बनने का सपना टूट गया। सीमल को पापा बनने का सपना था, वो टूट गया। क्या करे, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गया और हम लोग खुद अपना आँखों से देखे, इतना छोटा सा बेबी था, बहुत छोटा सा था, नाजुक सा था और पूरा ख़राब हो गया था, पूरा गल गया था। उसके लापरवाही से हुआ, उसको बच्चा ख़राब हो गया। नहीं तो हम लोग तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। काम भी नहीं, मतलब खाली सोने से नहीं होता गाइस, घर का काम कर, मतलब काम मतलब क्या भारी काम नहीं, हल्का फुल्का मतलब। और बस एक दिन बोली भी हमको थी कि दीदी हम गिर गए थे अचानक से ज़मीन पे, तो हम लोग को बाद में पता चला कि गिर गए। अभी सीमल जाने के बाद खाना वाना खाई नहीं, कुछ भी दवाई ली नहीं, तो इसके वजह से और ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट पड़ गया। तो बस बच्चा गुजर गया, बच्चा बहन नहीं। फिर बच्चा गुजरने के बाद रानी को फिर ब्लड व्लड चढ़ा, आप लोग देखे जाए, कोई बताया नहीं कि ब्लड क्यों चढ़ रहा, किस वजह से चढ़ रहा है, ये तो आप लोगों को पता नहीं है। ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से रानी को ब्लड चढ़ने लगा। और कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट बेबी था लेकिन उसका हम लोग भी सपना था। बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई रानी। हम लोग इसलिए नहीं बता रहे थे कि लोगों को क्या बोलेंगे, क्योंकि आप लोग हर चीज़ को मजाक ले लेते हो, मजाक 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 मजाक, हाँ, और आप लोग हर बात को सीरियसली लेते हो नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अभी नहीं बताए, कुछ दिन होने दो उसके बाद बताएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग कुछ लोग गंदे लोग हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं कि नौटंकी करती है, ढोंग करती है, ऐसे करती वैसे करती, हर चीज़ नौटंकी या ढोंग नहीं होता, हर चीज़ कुछ चीज़ होता है कि रियलिटी भी होता है, रियलिटी भी देखा करो। और जो मैं ये बोल रही हूँ शुद्ध रियलिटी है, ये आप लोग मानो या ना मानो, ये आप लोगों के ऊपर डिफेंड जाता है। और आइंदा सवाल नहीं उठाइएगा कि रानी प्रेग्नेंट अब नहीं है, ये चीज़ जान जाओ, रानी प्रेग्नेंट नहीं है, ये चीज़ आप लोग जान जाइए, ठीक है। और बार बार ये सवाल मत कीजिएगा कि रानी नौटंकी कर रही थी, रानी ये कर रही थी। आप लोग जाहिर से बात आप लोग जानते हो कि रानी हॉस्पिटल में भर्ती थी, इसी वजह से भर्ती थी क्योंकि उसका बच्चा गुजर गया, क्योंकि सीमल खुद उसको कपड़ा में लिपट के बच्चा को मतलब क्या बोले, कहीं पर रख दिया था, कोई उठा के शायद ले उठा के ले गया कि डस्टबिन में डाल दिया था ना, तो डस्टबिन में सर डाल दिया था, बहुत छोटा सा था। तो बस और कुछ नहीं, आइंदा शायद कोई सवाल ना करे और कोई नेगेटिव कमेंट मत करे। अब देखो जिसका बच्चा गुजरा है उसी को पता है, उसका शरीर को पता है कि उसको कैसा लग रहा होगा। हम लोग को तो बुआ बनने का सपना ख़त्म हो गया इसीलिए। तो अब रानी अब बनेगी माँ, ज़रूर बनेगी, भगवान की दुआ आशीर्वाद रहेगा तो 3-4 साल बाद बनेगी। और कुछ चीज़ बातें हैं जो हम नहीं बता सकते आप सबको, बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो रानी का बच्चा मिस कैरेज हो गया था, बस यही इम्पोर्टेंट था हमको बताना। मैं बता दी जो मुझे वो बोली थी बता देने का आप लोगों को, तो बता दी, क्योंकि ये सीमल का ब्लॉग में नहीं आ सकता, ये सिर्फ मेरे ब्लॉग में आ सकता, पूजा के ब्लॉग में आ सकता और किसी के ब्लॉग में नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं बोल दी। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा, और आई होप कि किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी ना हो कि। और तो गाइस कैसे लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। तो बाय।